जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि ये बीमारी वापस रिटर्न उनको हो सकती है, तो उसमें हम लोग क्या सुरक्षा? उसमें 14 दिन का होम क्वारंटाइन का उनको बोला गया है, और उसमें उनको 14 दिन तक होम क्वारंटाइन फॉर्म भरवाते हैं। उसके लिए अभी ऐसे कोई मॉनिटरिंग का हम लोग नहीं रखा है, बस फॉर्म भरवा के उससे प्रतिबद्धता ली जाती है। 14 दिन हो घर भी रहेंगे वो, और अलग हो सके तो अलग कमरे में रहें वो, जहाँ पर सुविधा है ये। और अभी यही हो रहा है, थोड़ा इसमें डिसिप्लिन और जागरूकता जनता से भी अपेक्षित है, थोड़ा सतर्कता सभी को रखनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि केवल जनप्रतिनिधि या प्रशासन मिलके इसको कर लेगा, हर आदमी को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और आने वाले समय में भी बहुत सारी जागरूकता के हम लोग ने रेडियो एफएम पे डालना शुरू कर दिए हैं, उसको ध्यान से सुने सभी लोग। नगर निगम से तैयार, नगर निगम ने बड़ी मेहनत करके तैयार कराया है उसको, कमिश्नर नगर निगम ने, और जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से ही हम लोग ने फाइनल करके वो डाला है। तो जो भी हम लोग रेडियो एफएम पे जागरूकता के लिए क्लिपिंग्स डाल रहे हैं, कृपया उसको ध्यान से सुने। उसके हम लोग सोशल मीडिया पे भी डिज़ाइन करके हम लोग सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि सब्जी आ रही तो क्या सावधानी बरतनी है, राशन आ रहा है तो क्या सावधानी बरतनी है, घर पे रहना है तो क्या सावधानी बरतनी है, हैंड वॉश कैसे करना है, किस प्रकार से मास्क यूज़ करना है, क्योंकि मास्क को भी जीवन का अंग बनाना पड़ेगा जब तक कि वैक्सीन और ये दवाइयाँ नहीं आ जाती हैं। इसकी प्रक्रिया भी हम लोगों ने शुरू कर दी है। और मेरे ख्याल से इस शहर की जनता चूँकि स्वच्छता में इतनी जागरूक हो चुकी है, हल्का सा हम लोग ओरिएंटेशन करेंगे तो ये कोरोना के संबंध में जागरूक हो जाएगी जनता पूरी। सर, बैकलॉग की रिपोर्ट सभी बची है।